बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पैरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जो है वो फेडरल बोर्ड की तरफ से जो इंटरमीडिएट पार्ट टू मैथमेटिक्स पेपर हेड किया गया था 2022 को, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर पेपर की बात की तो पेपर बहुत ज्यादा टफ था, मतलब कि जितने कंपेयर किए जाए, मतलब कि जितने पेपर थे 2002 के करिकुलम से बुक चलती आ रही थी, ठीक है, तो उसमें सबसे टफ पेपर जो है फेडरल बोर्ड की तरफ से दिया गया था, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आउट से, मतलब के बुक से बाहर से आया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम सब्जेक्टिविटी करेंगे, यानी हमने उसके दो क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो पहले हम सब्जेक्टिव डील करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व होता है, ठीक है। तो उसमें हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम बेसिकली उसके डिफरेंट पार्ट डालेंगे, यानी 15 से 20 मिनट की वीडियो के डिफरेंट पार्ट डालेंगे, यानी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जितने भी क्वेश्चन कवर हो सके उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जो है बेसिकली इसको कवर करने के बाद फर्स्ट ईयर की बुक को भी डील करेंगे, जो उसके मतलब 2023 में पेपर आया था उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह फिजिक्स का पेपर जो है वो मतलब के जो मतलब सेकंड ईयर का है, वो फर्स्ट ईयर के पेपर को भी डील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मतलब के जैसे अभी सप्ली के पेपर बहुत करीब है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चे मतलब के हमसे तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, या आप कोई होम ट्यूशन के लिए मतलब के कोई है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर कर देंगे। उसके अलावा बेसिकली जो है बेसिकली जो मतलब के लेट्स सपोज जैसे सेकंड ईयर की बुक में या फर्स्ट ईयर की बुक में कोई कंफ्यूजन है, कोई एक्सरसाइज मुश्किल है जो आपको समझ नहीं आती, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी डिटेल वीडियो बना दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप जो है वो हम बना सके। तो स्टार्ट करते हैं और बेसिकली आ जाते हैं सब्जेक्टिव के अंदर क्या क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव का दो क्वेश्चन होते हैं, एक सेक्शन जो है वो बी और एक सेक्शन सी। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, ठीक है, जैसे हमने इसको बेसिकली डिवाइड कर दिया। जैसे सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन होता है कि अटेम्प्ट एनी 12 पार्ट 8 पार्ट एंड 4 मार्क्स। बेसिकली हमें क्या किया कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए थे उनको एक पेज में लिख दिया ताकि आपको इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये सेक्शन बी के बेसिकली टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से अटेम्प्ट 12 करने होते हैं, ठीक है। तो आगे फर्स्ट क्वेश्चन तो लिखा हुआ कि लेट फंक्शन है जिसमें मान लो वैल्यू लिखी हुई है x2 एंड g(x+1) देन फाइंड g(f) एंड फाइंड x व्हेन f(g)=11, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मतलब कि उसके जो है वो 4 मार्क्स के, ठीक है, उसके दो पार्ट से, यानी एक पार्ट 2 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 2 मार्क्स का, ठीक है। उसके अलावा बात की तरीके से कैसे किया गया, तो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से किया गया। तो आप इसे क्वेश्चन करें आपको x square plus 2 x plus 3, ये आ गया।
अब हमारे पास ये क्या है कि f of g is equal to कितना है 11, यहां पे कितना आ रहा है 11, तो x square plus 2x plus 3, ठीक है, इसको ले लेंगे तो x square plus 2x plus 3 minus 11 equal to 0, जब फर्दर करेंगे तो इसी के क्या आ जाएगा कि x square plus 2x 11 से जीनी करेंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब जब 8 आ जाएगा तो इसी के लिए आप इसकी मेन टर्म को ब्रेक कर देंगे, यानी हमारे पास क्या आ रहा है x square plus 2x plus 8, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं यहां पे x square plus 2x plus 8, यानी ऐसे कौन टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 2 है और प्लस माइनस करो तो 8 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर हम 4 को 2 से करेंगे तो क्या आ रहा है 8 हो जाता है, और 4 को 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2। यहां पे देखिए सी गलती की है, क्या गलती की है कि यहां पे बड़ी वाली सब जो है वो प्लस का साइन था, सॉरी यहां पे जब करेंगे तो बेसिकली 2x तो 11 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का जाएगा क्योंकि बड़ी वाली सब माइनस का साइन था, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा बेसिकली माइनस, तो ऐसे कौन लिख लो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है प्लस माइनस का 2 आता है, यानी अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और होगा प्लस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 हो गया। फर्स्ट में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, लास्ट में लास्ट में से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब x प्लस 4 4 में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, ठीक है। तो एक x का आंसर आ रहा है 4 और दूसरे x का आंसर आ रहा है 2, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट में 2, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारा फंक्शन की पढ़ना है और फंक्शन की हमें चेक करनी है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं जगह पे, और दूसरी चीज चेक करनी है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है x इक्वल टू 12 पे, ठीक है। अगर बात की इस क्वेश्चन की तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.4 में से लिया गया, ठीक है। रूट 2. बेसिकली टैन रूट का, टैन रूट का क्वेश्चन 2.4 से लिया गया था। टैन रूट क्या होता है बेसिकली कि ये जो एक्स 2.4 के पार्ट क्वेश्चन था मतलब कि लास्ट पार्ट उनमें से लिया गया, ठीक है। तो टैन रूट क्या कहता है कि dy/dx dy/dθ dθ/dx चेंज हो जाता है। अब इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड तो मैंने लिखा, पहले एक ऑप्शन को लिख देता हूं, दो फंक्शन लिखे हुए, ठीक है। तो मैं यहां पे नोट लाइन लगा देता हूं, मुझे लिख देता हूं कि x = a cos cube theta और y = b sin cube theta, ठीक है। तो एज वी नो कि हमारे पास x y x y z थीटा और t ये बेसिकली वेरिएबल होते हैं, उनके अलावा जितने के जितने डेरिवेटिव हम फर्स्ट सेकंड एंड पढ़ते हैं उनको हम जो है वो कांस्टेंट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं हम देखते हैं कि आगे क्या चीज बढ़ेगी, बेसिकली आगे क्या चीज आ रही है थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो बेसिकली ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली डी बाय डी थीटा और cos जब cos को करेंगे तो इसके होल भी सकते हैं माइनस ए साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया dx/dθ, ठीक है। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करने तो आगे थीटा को डिफरेंशिएट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा, बेसिकली b कांस्टेंट है स्टार्ट में देगा तो फिर लिखेंगे d/dθ sin cube थीटा फिर पावर रूट और स्टार्ट में आ जाएगी और हम इसे चीज को सेपरेट कर देंगे और हम पावर के अंदर जो चीज होती है पावर के अंदर क्या आ जाएगी sin थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो 3b sin स्क्वायर थीटा और उसका आंसर क्या होता है cos थीटा, जब फर्दर देखेंगे तो बेसिकली आएंगे 3b cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx, ठीक है। तो क्या होगा dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dθ मल्टीप्लाइड डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिस्पेक्ट था डी एक्स बाय क्या था डी थीटा बाय डी एक्स ही ये जो आने का जगह तो क्या आ जाएगा आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो डी बाय डी एक्स वैल्यू क्या है 3b कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स की माइनस साइन
3a sin थीटा और cos के थीटा, तो ये वाली वैल्यू इधर आ गई थी, ठीक है। अब कटिंग कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, ये स्क्वायर cos कट जाएगा और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग थिंग हमारे से बचेगी b, ऊपर बच रहे sin थीटा और नीचे a, नीचे बच रहे cos थीटा। cos सिंपलीफाई करने तो आएगा b / a tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया dy / dx, ठीक है। तो अगर बात की तो dy / dx हमारे पास कितना है, यहां पर लिख देता हूं, dy / dx हमारे पास आ रहा है b / tan थीटा, ठीक है। आप इसको रेस कर देता हूं और यहां पे बेसिकली यहां पे एक पिन पुट करते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। अब लिखा हुआ है a, ऐसे ही रहेगा dy / dx, dy / dx की वैल्यू क्या है, b / a tan थीटा, फिर लिखा हुआ प्लस, तो आप माइनस एन का, तो माइनस एन हमने क्या कर दिया, माइनस बी माइनस बी, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू जीरो, आप ये एक कैंसिल कर देंगे, माइनस बी टेन थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू जीरो, दोनों कैंसिल कर देंगे, तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपसे इंप्रूव हो जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 को जो पेपर में आया था उसको हमने जो है वो मतलब के चेन रूल के मुताबिक सॉल्व कर लिया, ठीक है। बेसिकली जो है वो ये हमारा था पहला पार्ट, जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हम बेसिकली हमने एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो पेपर में क्वेश्चन थे हमें कवर करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके फर्स्ट 3 क्वेश्चन को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट 3 या 4 या 5 क्वेश्चन डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।